नमस्कार, मैं हूं हरदविंदर। स्वागत है आपका एक बार फिर से। इस बार फिर हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस 083 कोड है जो CBSE का सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, और इसको आप IP के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसके प्रोजेक्ट के बारे में। पहले जैसे हमने वार्तालाप की थी एक प्रोजेक्ट के बारे में, स्टूडेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम के, तो आज एक नया प्रोजेक्ट आपके सामने दिखाने जा रहे हैं जो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहा है जो भी है CBSE की एक नए प्रोजेक्ट के लिए। जैसे आपने पढ़ाई है कि एक प्रोजेक्ट जो आपने बनाना है, चाहे आपका सब्जेक्ट है जहाँ तो कंप्यूटर साइंस 83 या आपका इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस 065, दोनों के लिए सेम ही प्रोजेक्ट गाइडलाइंस हैं। और टोटल 11 मार्क्स का प्रोजेक्ट होएगा जिसमें 8 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट और 3 मार्क्स प्रोजेक्ट में से पूछे गए प्रश्न उत्तर जो वीवाइवा वोस होगा उसके होंगे। तो एक बार एक नज़र डालते हैं कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। एक प्रोजेक्ट पर 2 या 3 विद्यार्थी काम कर सकते हैं, और ये प्रोजेक्ट टेंजिबल होना चाहिए और यूज़फुल होना चाहिए। और इसमें खास ध्यान रखना है कि ये प्रोजेक्ट आपका ये नहीं होना चाहिए कि आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया है या किसी का बनाया हुआ आपने प्रोजेक्ट उठा दिया है। इसमें साफ गाइडलाइंस लिखी हैं कि प्रोजेक्ट विद्यार्थियों ने खुद बनाया होना चाहिए, उनकी खुद की मेहनत लगी होनी चाहिए। कम से कम 6 महीने प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है प्रोजेक्ट सबमिट करने से 6 महीने पहले हो जानी चाहिए। और कम से कम अगर 6 महीने आप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, 3 विद्यार्थी काम कर रहे हैं, तो उन्होंने ये साफ लिखा है कि कम से कम 500 लाइन्स का जो कोड है वो होना चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो अभी डेवलप किया है आपकी गाइडलाइंस के लिए। इस पर चर्चा करते हैं। प्रोजेक्ट है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। प्रोजेक्ट आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में बना होना भी ज़रूरी है। कोई भी आप लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आप ओपन सोर्स मतलब फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स में बनाया होना जरूरी है। ये भी कंडीशंस लिखी हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम यूज़ कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, उबुंटू है जो कि ओपन सोर्स है, लाइसेंस इसका ओपन सोर्स है, और इसमें एनाकोंडा है जिसके थ्रू हम स्पाइडर यूज़ करेंगे जिसमें प्रोजेक्ट डिवेल्प किया गया है। तो एनाकोंडा ओपन करते हैं, एनाकोंडा नेविगेटर। थोड़ा समय लेगा ओपन होने के लिए। तो बच्चों, आपने इस प्रोजेक्ट पे डिटेल से देखना है, ये सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। 500 लाइंस जो भी उन्होंने गाइडलाइंस रखी हैं, कम से कम 6 महीने की मेहनत लगनी चाहिए इस प्रोजेक्ट पे, दिखना चाहिए कि आपने 6 महीने इस पे काम किया है। तो शुरू करते हैं। स्पाइडर लॉन्च कर रहे हैं अभी। प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो बच्चों, मैं आपको दिखा दूं, ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ABCD पब्लिक स्कूल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें पहले मेन्यू है, पहला ऑप्शन है बुक ऐड करने के लिए। जब नई बुक लाइब्रेरी में आती है तो उसकी रजिस्ट्रेशन करनी होती है, ऐड करना होता है हमने सॉफ्टवेयर में कि बुक आ चुकी है लाइब्रेरी में। अगर गलती से कोई एंट्री गलत डल गई है, बुक की कॉस्ट गलत डल गई है, ऑथर नेम गलत डल गया, उसकी क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में आई है ये गलत डल गई है, तो मॉडिफाई करने के लिए सेकंड ऑप्शन है। बुक्स की डिटेल देखना चाहते हैं, व्यू करना चाहते हैं, तो थर्ड ऑप्शन है। अगर बुक लाइब्रेरी से इशू करनी है किसी विद्यार्थी को या किसी अध्यापक को, तो फोर्थ ऑप्शन है। 5 ऑप्शन है बुक अगर आपको लाइब्रेरी में वापस आ रही है, जो इशू की थी वो वापस आ रही है, तो उसकी एंट्री कैसे करनी है, इसके लिए 5 नंबर ऑप्शन है। पेंडिंग रिटर्न बुक स्टेटस है कि कितनी बुक्स आपने इशू की हुई हैं, उनमें से कितनी पेंडिंग है, ये 6th ऑप्शन है। और 7 ऑप्शन के लिए आप एग्जिट कर देते हैं। तो हम सबसे पहले पहली ऑप्शन चेक करते हैं, 1 बुक ऐड करने के लिए। बुक ऐड करने से पहले सबसे पहले पूछेगा ISBN होता है, कोई भी बुक का ISBN होता है, इसमें कोई भी भर देते हैं। सपोज हम भर देते हैं अपनी मर्जी से, भर देते हैं कोई भी ISBN R75689 0। नेम ऑफ द बुक, सपोज द नेम ऑफ द बुक है साइबर डील्स, मेरे पास पड़ी हुई है साइबर डील्स, तो उसी बुक की एंट्री कर देते हैं। ऑथर मान लो ऑथर है किप्स,
तो जो बुक आपने अभी रजिस्टर कर रहे हैं उस कौन सी कैटेगरी के है? साइंस, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर सेक्शन, या आर्ट एंड क्राफ्ट, या स्टोरीज, या कॉमिक्स, किस सेक्शन में है? तो इसकी ऑप्शंस दी हुई हैं और उसमें आपसे ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। मान लो मैं 9 नंबर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ कि ये बुक है कंप्यूटर सेक्शन की, तो 9 नंबर कितनी क्वांटिटी में बुक्स लाइब्रेरी में आई हैं? तो मान लो 15 बुक्स आई हैं लाइब्रेरी, तो ये इसके हिसाब से 1 रिकॉर्ड है इंसर्ट है, तो आपकी एक बुक इंसर्ट हो चुकी है। तो उसके आगे चलते हैं। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन थी हमारी मॉडिफाई करने के लिए, अगर बुक में कोई गलत एंट्री हो गया तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। 3 नंबर पे हम इसको कर सकते हैं व्यू, 3 नंबर चेक करते हैं व्यू करने के लिए हमने कौन सी कैटेगरी वाइज व्यू करनी है या सारी बुक्स व्यू करनी है। मान लो कैटेगरी वाइज व्यू करनी है, सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। कौन से सेक्शन की बुक्स हमने व्यू करनी है? 9 नंबर है हमारा कंप्यूटर सेक्शन, इसकी बुक्स हमने व्यू करनी है। तो अभी अभी जो हमने बुक इंसर्ट की 12 नंबर सीरियल नंबर में, ये उसका ISBN नंबर है, ये साइबर बीन्स है, किप्स ऑथर है, कंप्यूटर सेक्शन में है। 15 बुक्स हमने भी ऐड की हैं, अवेलेबिलिटी है 15, मतलब 15 की 15 बुक्स अभी लाइब्रेरी में पड़ी है। जब हम बुक इशू कर देंगे तो क्वांटिटी तो 15 शो करेगा, लेकिन अवेलेबिलिटी उसकी अगर 1 बुक इशू कर दिए तो 14 रह जाएगी। मतलब हमारे पास लाइब्रेरी में 15 बुक्स पड़ी हैं, लेकिन एक बुक हम ऑलरेडी लाइब्रेरी से बाहर जा चुकी है क्योंकि ये इशू कर दी है, तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी भी साथ के साथ शो करेगा। मान लो कोई बुक इशू करवाना चाहता है साइबर बीन्स की, किप्स की, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कितनी बुक्स अभी लाइब्रेरी में मौजूद हैं और कितनी बाहर गई हुई हैं। अगर मान लो 15 की 15 बुक्स ही हमारी इशू हो चुकी हैं, बाहर जा चुकी हैं लाइब्रेरी से, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम फर्दर बुक्स को इशू कर सकते हैं जब तक वो पुरानी बुक्स रिटर्न नहीं होती हैं। तो ये अवेलेबिलिटी का कॉलम ये दर्शाता है आपको। और अब मान लो अब हमने बुक को इशू करना है, इशू के लिए 4 नंबर ऑप्शन है, 4 नंबर दबाओगे। कौन सी कैटेगरी में से बुक इशू करनी है? मान लो 9 नंबर के कैटेगरी में से कंप्यूटर सेक्शन की बुक इशू करनी है, उसमें से ये पूछ रहे हैं कि आप सीरियल नंबर डाल दीजिए जो बुक आपने इशू करनी है। 12 नंबर बुक इशू करनी है जो कि साइबर बीन्स की है, 12 दबा देंगे। किसको इशू करनी है, कौन, ये स्टूडेंट्स की लिस्ट, स्टूडेंट्स हमने पिछले प्रोजेक्ट में जब स्टूडेंट्स ऐड किए थे वो सेम स्टूडेंट्स की लिस्ट यहाँ पर शो कर रहा है कि हमें स्टूडेंट्स का नाम या डिटेल खुद नहीं भरनी होती है। पिछले जो प्रोजेक्ट था हमारा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें से हमने स्टूडेंट्स का डाटा ऐड कर दिया था, तो वहीं से वहाँ पे स्टूडेंट ऐड हो गया तो ऑटोमेटिकली वो लाइब्रेरी के डाटाबेस में भी आ जाएगा। लाइब्रेरी वहाँ से डाटा सिंक्रोनाइज करके, ये रिलेशन बना हुआ टेबल का, वहाँ से स्टूडेंट ऐड करने से ये लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर में भी व्यू हो जाएगा, वहाँ से स्टूडेंट्स की डिटेल शो हो रही है जिन जिनको आपने बुक इशू कर सकते हैं। वहाँ से जहाँ से सिर्फ आपने स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट करना है, टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो 31 नंबर है मंजोत शर्मा, हमने इसको बुक इशू करनी है, तो 31 दबा दीजिए आप, तो डेट ऑफ इशू ऑटोमेटिकली टुडेज, जो आज सिस्टम का टाइम है, जो आज की डेट है, मान लो आज जो डेट है 12 जनवरी 2020 है, तो आज की डेट इशू डेट, तो आज की डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसमें फंक्शन लगाया हुआ है टुडेज डेट ऑटोमेटिकली इंसर्ट करने का, लेकिन जो रिटर्न की डेट है वो डिफरेंट होगी। मान लो हमने रिटर्न की जो डेट है ये इस फॉर्मेट में रखी हुई है, पहले ईयर लिखना है फिर मंथ, फिर डेट। ईयर है 2020, मंथ है मान लो जो 01, एंड 20th जनवरी तक हमें बुक रिटर्न चाहिए, तो एंट्री हो गई है, बुक इशू कर दी गई है। दोबारा से व्यू करते हैं बुक्स की, 3 नंबर व्यू है, कैटेगरी वाइज बुक देखनी है और बुक 9 नंबर चेक करनी है। तो 9 नंबर में देखिए, पहले हमें क्वांटिटी भी 15 थी और अवेलेबिलिटी भी 15 थी, अब क्वांटिटी 15 ही है लेकिन अवेलेबिलिटी 14 रह गई है क्योंकि एक बुक लाइब्रेरी से बाहर जा चुकी है। अब हम जो लाइब्रेरी में अवेलेबिलिटी है सिर्फ 14 बुक्स की ही है, तो ऑटोमेटिकली ये माइनस होता जाएगा, जब बुक रिटर्न आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये अवेलेबिलिटी ऐड हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, 5 नंबर है बुक रिटर्न, बुक की डिटेल आ गई है जो हमने भेजी हुई है मंजोत शर्मा को, जो बुक इशू की थी इसकी डिटेल आ गई है, जिन जिन जो जो बुक्स हमने इशू की हुई हैं उसकी डिटेल्स डिस्प्ले हो जाती है। मान लो हमने 17 नंबर बुक का वो रिटर्न आ गया हमारे पास, वो एंटर कर देंगे हम, रिटर्न की डेट ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, हमें रिटर्न की डेट भरनी नहीं है, वो आज की डेट अपने आप
अवेलेबल हो जाएगी। और तीन नंबर से दोबारा व्यू करते हैं और कैटेगरी वाइज व्यू करते हैं, तो हमने देखा कैटेगरी एंटर चॉइस ऑफ कैटेगरी, नौ नंबर बुक का हमें व्यू करनी है। देखिए अवेलेबिलिटी 15 हो गई वापस, पहले हमने इशू की थी अवेलेबिलिटी 14 हो गई थी, अब वही सेम बुक वापस आ गया तो अवेलेबिलिटी दोबारा से 15 हो गई है। मतलब ये ऐड हो जाता है जब बुक रिटर्न आती है, माइनस हो जाता है जब हम बुक इशू करते हैं, और जब हम बुक रिटर्न करते हैं तो हमारे पास वही बुक्स डिस्प्ले करेगा जो हमने ऑलरेडी इशू की हुई है। जो बुक्स इशू नहीं किया उनकी लिस्ट हमारे पास डिस्प्ले ही नहीं होगी। इस तरह की ऑप्शन हमने इसमें डाली हुई है। अगर हमने बुक्स का पेंडिंग बुक्स का रिकॉर्ड देखना है तो 6 नंबर लगा सकते हैं, और आपने बुक्स का पेंडिंग स्टेटस स्टूडेंट वाइज देखना है या सारी बुक्स का डिटेल देखनी है तो 1 नंबर लगा देते हो। सारी बुक्स की डिटेल है, पेंडिंग बुक्स जो हमने इशू की हुई हैं उनकी सारी डिटेल डिस्प्ले हो जाएगी ऊपर। तो ये था प्रोजेक्ट जो आपने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है। इसकी कोडिंग दिखा देते हैं आपको, ये इसकी कोडिंग है। जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से लगभग 500 अप्रॉक्सीमेटली 500 लाइन्स कंप्लीट हो रही हैं, और SQL के साथ इसकी कनेक्टिविटी है, और ये कैसे प्रोजेक्ट को रन करना है सारा आपको डिस्प्ले किया गया है। और इसके साथ आपने इसके सिनॉप्सिस भी तैयार करने होते हैं, उसकी इंट्रोडक्शन लिखनी होती है, और स्क्रीन शॉट्स लेने होते हैं आउटपुट के और कोडिंग के। तो ये सारा काम आपने खुद करके जो एग्जामिनर को देना है, जिससे वो आपको इसमें से क्वेश्चन भी पूछेंगे तो उसके हिसाब से आप आंसर दोगे, तो आप 11 मार्क्स आपके इससे ले सकते हैं। और इसके अलावा आपने अपनी एक फाइल तैयार करनी है, प्रैक्टिकल फाइल, जिसमें कम से कम 21 प्रोग्राम्स होने चाहिए, जिसमें से 4 प्रोग्राम SQL के साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और 1 प्रोग्राम की फाइल हैंडलिंग भी होनी चाहिए उसमें। और उससे टोटल आपका जैसे बताया 70 मार्क्स का आपका थ्योरी होगा और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। तो होपफुली हम यही आशा करते हैं कि आपको 100 मार्क्स पूरे मिल जाएं, 100 मार्क्स आप प्राप्त करें, आप चाहे आपका सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर साइंस है या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस है, यही हमारी विषय है कि आप अच्छे मार्क्स लेके पास हुए, 100 मार्क्स फुल मार्क्स आएँ आपके दोनों सब्जेक्ट में, और बाकी जो भी सब्जेक्ट आप अटैम्प्ट कर रहे हैं उसमें आपके फुल मार्क्स आएँ। किसी तरह की भी आपको IP या कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल फाइल या किसी भी क्वेश्चन की आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। आपको आप अपना फ़ोन नंबर छोड़ सकते हैं, हम आपको बैक कॉल भी कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड और भी वीडियो हम बनाएंगे। जो भी आपकी क्वेरीज होगी प्लीज़ आप लिख दीजिएगा। नए साल की आपको शुभकामनाएँ, धन्यवाद।